मुझे अपनी भाभी की ये हरकत बिल्कुल समझ नहीं आती थी। जब वह सबको दे सकती थी तो मुझे क्यों मना कर देती थी? ऐसा क्या था उसमें जो उन्होंने मुझसे छुपा कर रख रखा था? आखिर ये चीज तो मेरे घर की ही थी, तो मेरा तो हक था बनता है उस पर। लेकिन मेरी भाभी पूरी दुनिया में बांटती फिरती थी, लेकिन मुझे कभी नहीं दिया। ये बात तो मैं भाई को भी नहीं बता सकता था, नहीं तो भाई मुझे मारना ही शुरू कर देते। लेकिन भाभी को तो समझना चाहिए था ना। मैंने उनसे बहुत बार कहा था कि भाभी जवाब दीजिए, सबको दे सकती हो तो आप मुझे क्यों मना कर देती हो? तो वो बस यही कहती कि तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम अभी छोटे हो। अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था जो ये सब चीजें नहीं समझता, लेकिन वो हमेशा मुझे मना कर देती थी। उनकी शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक भी कोई बच्चा नहीं था। मुझे अपने भाई और भाभी दोनों पर ही बहुत गुस्सा आने लगा था, खास तौर पर अपनी भाभी पर। हमारे घर में पैसे की बहुत तंगी थी, इतनी तंगी थी कि धीरे धीरे हमारे घर का सारा सामान बिकने लग गया था, और साथ ही भाभी के लाए हुए दहेज के सामान भी बिक गया था। अब मेरी भाभी अक्सर बहुत परेशान रहने लगी थी। मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकता था, बहुत प्यार करता था मैं उनसे। वैसे मेरी भाभी बहुत सुंदर भी थी, बहुत प्यारी सी लगती थी। एक ऐसा ही दिन था जब मेरे भाई और भाभी कमरे में थे और मैं बाहर हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था कि अचानक उन दोनों के कमरे से बहुत तेज तेज आवाजें आने लगी। मैं उठकर उनके दरवाजे के पास गया और उनके दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। मेरे भाई भाभी को जोर से कह रहे थे कि अच्छा अब तुम ये काम भी करोगी, अभी मैं जिंदा हूँ, तुम दोनों को भूखा नहीं मरने दूंगा, और तुम्हें घर से बाहर निकलकर इस काम को करने की जरूरत नहीं है। तुम खूबसूरत हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई भी काम कर लोगी। लोग क्या बोलेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे? मेरी भाभी कहने लगी कि क्या अगर आज हमारे घर में खाने तक के पैसे नहीं है तो ये लोग और रिश्तेदार हमारे घर में राशन भरवाने आ रहे हैं क्या? तो मैं क्यों सोचूं उनके बारे में? और जब आपकी जॉब से कुछ नहीं हो रहा तो इस काम को करने में बुराई ही क्या है? मेरी भाभी बोलने लगी कि जिस तरह धीरे धीरे सारी चीजें बिक रही हैं, आप क्या चाहते हैं कि बेड भी बिक जाए? मैं आपको समझा समझा कर थक गई हूँ, आप ये क्यों नहीं समझते कि अगर आपकी नौकरी से घर नहीं चल रहा तो मेरे इस हुनर को इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं है? मेरे भाई कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो भी हुनर है उन सब का इस्तेमाल तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए करो, दूसरे आदमियों के लिए नहीं। मैं तुम्हें शादी करके लेकर आया हूँ और मेरा पूरा हक है तुम पर, मैं तुम्हें इस तरीके से लोगों की बातों का हिस्सा बनते हुए नहीं देख सकता। मेरी भाभी बोलने लगी, ठीक है अगर ऐसी ही बात है तो आप पर भी तो सिर्फ मेरा ही हक है। आप एक बार अपने आप को आईने में देखें, आप कितने बूढ़े लगने लगे हैं। लोगों को तो यही लगेगा कि जब से शादी करके आई है तब से ना तो अपने पति की सेहत बना पाई और ना ही उसकी कोई मदद कर पाई, बस उसको कंगाल और कर दिया। मैंने तो आज तक आपसे किसी तरीके की कोई डिमांड नहीं की है, तब भी देखिए हमारे घर का सारा सामान बिक गया। मैंने तो आज तक आपसे ना किसी तीज त्योहार पर भी कुछ मांगा। उसके बाद कमरे में एक लंबा सन्नाटा छा गया, किसी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में भाई की आवाज आई, वो कहने लगे, अच्छा ठीक है अगर तुम काम शुरू करना चाहती हो तो कर लो, लेकिन अगर इसमें ज्यादा फायदा नहीं हुआ तो तुम ये काम उसी समय बंद कर दोगी। मेरी भाभी कहने लगी कि फायदे से आपका क्या मतलब है, कितने फायदे की उम्मीद कर रहे हो आप? भाई ने कहा कि अगर तुम अपना इतना समय दोगी तो तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए, इतना फायदा तो हो कम से कम। ऐसा ना हो कि जब तुम काम करो तब तुम मुझे बोलती रहो कि मैं इतना टाइम दे रही हूं और अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ, मैं ये नहीं सुनूंगा। भाभी ने कहा कि आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा मन लगाकर ही काम करूंगी, ये काम भी तो शाम से ही शुरू होगा, मुझे उम्मीद है कि हमें फायदा जरूर होगा, हमारा घर अच्छे से चलने लगेगा। मुझे तो इन दोनों की बातें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कौन से काम की बात कर रहे थे, पर हाँ इतना जरूर समझ आया था कि कोई ऐसा काम था जिसे भाभी तो करना चाहती थी पर भाई नहीं चाहते थे कि वो करे, लेकिन क्या? और वैसे भी मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ अपना फायदा दिख रहा था कि अगर भाभी का किया हुआ काम चलने लगेगा तो हमारे घर में पैसे आएंगे, और घर में पैसे आए तो मेरी जरूरतें भी पूरी होंगी, क्योंकि हमारे घर में पैसों की तंगी हो गई थी और वो इतनी बढ़ गई थी कि मेरे भाई ने मुझे जेब खर्च तक देना बंद कर दिया था। यहाँ तो ढंग का खाना भी नहीं नसीब होता था। पहले तो मेरी भाभी नई नई आई थी तो बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी, लेकिन जैसे जैसे हमारे घर में तंगी बढ़ी हम दाल रोटी पर आ गए। अब दाल रोटी तो चाहे अच्छी बने या खराब, है तो दाल रोटी ही। पर मुझे समझ अभी तक नहीं आया था कि आखिर भाभी काम क्या करना चाहती थी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं,
थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता था उन्हें, तो फिर वो क्या कर सकती थी? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ट्यूशन दे सकती थी या किसी के घर में काम कर सकती थी। अगले दिन मैं घर में बैठा पढ़ाई कर रहा था, भाभी कहीं बाहर गई हुई थी। जब वहां से वापस आई तो मैंने देखा कि उनके कानों की दो बालियां भी गायब थी। उनके पास कुछ नहीं बचा था, वो पहले ही सब कुछ बेच चुकी थी, लेकिन अब तो वो बालियां भी नहीं थी। अब मैंने भाभी से पूछा कि बालियां कहाँ गई, तो वो कहने लगी उसे बेचकर मैंने कुछ सामान खरीदा है और मैं अपना अब नया काम शुरू करूंगी। भाभी जो काम करना चाहती थी उसे वो हमारे घर से ही कर रही थी, उसके लिए वो खुद घर के अंदर खड़ी रहती और काम बाहर था। मैं तो हैरान था कि भाई ने उन्हें इजाजत दे कैसे दी। लोग क्या बोलेंगे भाभी के बारे में, पर अगर भाई ने ही इजाजत दे दी तो मैं कौन होता हूँ उन्हें कुछ भी बोलने वाला। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहां रहते हुए हमें सालों हो चुके थे। मेरे पापा की दुकान भी थी यहाँ, लेकिन दुकान में इतना घाटा हुआ कि वो दुकान भी बंद हो गई। इसी सदमे में मेरे पापा हम सबको छोड़कर चले गए। उसके बाद भाई ने पढ़ाई छोड़कर आसपास ही मजदूरी करना शुरू कर दिया। थोड़ा समय और बीता ही था कि माँ भी हमें छोड़कर चली गई। अब बस मैं, भाई और भाभी थे घर में। आज भाभी के काम का पहला दिन था, वो खिड़की पर ही खड़े होकर किसी ग्राहक का इंतजार कर रही थी। सुबह से शाम हो चुकी थी पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। अब तो भाभी भी बहुत उदास हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय और बढ़ा दो चार लोग आए और रात होते होते भाभी का सारा सामान बिक गया। आज भाभी बहुत खुश थी। शाम को जब उन्होंने फायदा और खर्चा निकाला तो उन्होंने पाया कि उन्हें 5,000 का फायदा हुआ है, वो बहुत खुश हुई। जब भाई अपने काम से आए तो भाभी ने उन्हें भी 5,000 के फायदे के बारे में बताया, तो वो कहने लगे कि पहले तुम उसमें से सारे सामान का खर्चा तो निकाल लो, फिर मुनाफा जोड़ना। भाभी ने कहा, मैंने सब कुछ निकालने के बाद ही आपको बताया है, हमें आज 5,000 का फायदा हुआ। मेरे भाई का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। वो दोनों ही आज बहुत खुश थे। जिस 5,000 को कमाने में भाई पूरे महीने मेहनत मजदूरी करते थे, वो भाभी ने एक दिन में ही कमा लिए थे। भाभी ने वो सारे के सारे पैसे लेकर भाई के हाथ में थमा दिए। भाई की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। वो कहने लगे कि तुम ठीक ही कह रही थी, अगर तुम में हुनर है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। इस तरीके से तो हमारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी ने कहा कि अभी इस मुनाफे को हम अपने घर में खर्च नहीं कर सकते, अभी मुझे कुछ चीजों की और जरूरत है अपने काम को बढ़ाने के लिए, ताकि हम कम तेल सामान का इस्तेमाल करके भी लोगों के ऑर्डर ले सके और उनकी चीजों को भी संभाल कर रख सके। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले पाएंगे। भाई कहने लगे कि तुम टेंशन मत लो, अगर किसी काम से फायदा होता है तो उसमें और ज्यादा पैसा लगाने में कोई नुकसान नहीं है। अगर तुम्हारा इन 5,000 में हो जाता है तो ठीक है, और अगर और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना। भाई ने मुझे भी उसमें से 500 रुपए निकाल कर दे दिए। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मुझे तो याद भी नहीं कि भाई ने मुझे आखिरी बार जेब खर्च कब दिया था। मेरी भाभी ने एक पिज्जा का ठेला खोला था। अब मैं जब भी बाहर निकलता तो लोग मेरी भाभी के पिज्जा की ही तारीफ कर रहे होते थे। मेरे दोस्त मुझसे कहते कि भाई तेरे तो मजे हैं, तुम तो अपने घर में जितना चाहे उतना मन भर कर खा सकते हो, मुझे तो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मैं सोचने लगा कि दोस्त मेरे सही बोल रहे हैं। जब मेरी भाभी के पिज्जा की तारीफ इतने लोग कर रहे हैं और मैंने घर में रहते हुए भी एक बार भी पिज्जा नहीं खाया था, मैंने सोचा आज ही घर जाकर भाभी से बोलूंगा कि वो मुझे भी दे। मेरे दोस्त कह रहे थे कि कितना अच्छा पिज्जा तो बाहर की बड़ी बड़ी दुकानों पर भी नहीं मिलता, पर तेरी भाभी के हाथों में तो जादू है, वहां से हमें सस्ता और अच्छा पिज्जा मिल जाता है। मैंने घर जाते ही भाभी से कहा कि भाभी आपके हाथों की जादू की तारीफ तो पूरी गली कर रही है, पर आपने मुझे एक बार भी टेस्ट नहीं कराया, मुझे भी खिला दो पिज्जा। मैंने इतना बोला ही था कि मेरी भाभी के हाथ से बर्तन नीचे गिर गया। मैंने पूछा कि क्या हुआ भाभी, तो वो कहने लगी कि पिज्जा तुम फिर कभी और खा लेना, अभी तुम खाना खाओ, देखो मैंने तुम्हारे पसंद की पनीर की सब्जी बनाई है। मैंने तो उन्हें कह दिया था कि मुझे पिज्जा ही खाना है, पर वो मुझे कहने लगे कि पिज्जा तुम किसी और दिन खा लेना, आज खाना खा लो। मैं भाभी को पहले ही दो बार बोल चुका था, इससे ज्यादा बोलना मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उनसे भीख मांग रहा हूँ, और मैं इस तरीके की बेइज्जती से खाना नहीं खा सकता था। मैंने छोड़ दिया, गुस्सा तो मुझे बहुत आया था। फिर मैंने दोबारा उनसे नहीं मांगा और ना ही उस दिन मैंने खाना खाया। भाभी कहने लगे कि जितने में तुम पिज्जा खाओगे वही अगर हम उसे बेच देंगे तो हमें कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, तुम कोई दूसरी अच्छी चीज खा लो। मैंने उन्हें कहा कि मुझे कुछ नहीं खाना है। उन्हें क्या पता कि जब मेरे मम्मी पापा थे तब मैंने हमेशा ही अच्छी चीजें खाई है, वो तो जब से वो शादी करके आई थी तब से हमारे दिन खराब हो गए। कभी कभी तो मुझे लगता था कि हमारे घर में यह तंगी भी उन्हीं की वजह से आई है।
नहीं तो उनके आने से पहले तो सब कुछ अच्छा है था। वो कहते हैं ना कि अपने माँ बाप जैसा प्यार आपको कभी कोई नहीं दे सकता, वो मुझे आज महसूस हो रहा था। ये लोग तो मुझे घर तक का काम कराते थे, कभी बाहर से कुछ ले आओ कभी कुछ ले आओ। आज मैंने इनसे एक पिज्जा क्या मांग लिया, उसमें भाभी अपना नफा नुकसान देखने लगी। अगर आज मेरे माँ बाप होते तो मेरे बोले बिना ही उन्होंने मुझे खिला दिया होता। मैंने तो सोच लिया था कि आज ये बात मैं अपने भाई को बताऊंगा, कम से कम वो तो मुझे समझेगा। शाम को जब भाभी मार्केट गई हुई थी तो भाई अपने कमरे में थे। मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैंने भाभी को कहा था कि वो मुझे एक पिज्जा दे दे, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं दे सकती। वो कहने लगी कि इतने में तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। भाई मेरी बात सुनते ही जोर जोर से हंसने लगे। मैंने उनसे उनके हंसने की वजह पूछी तो वो कहने लगे कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें एक पिज्जा नहीं दिया तो तुम उनकी शिकायत करने मेरे पास आ गए। अरे वो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही है, अगर वो तुम्हें पिज्जा खाने से मना कर रही है तो उसमें क्या गलत है। वैसे भी ऐसी चीजों को बच्चों को नहीं खाना चाहिए। भाई की ऐसी बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मेरी भाभी तो नफा नुकसान देख ही रही थी, पर मेरा भाई भी उनका साथ दे रहा था। एक पिज्जा में क्या ही हो जाता। उस दिन के बाद से मैंने अपने भाई भाभी से बात करना ही कम कर दिया, सिर्फ जरूरत की ही बातें किया करता था। अभी उन्होंने काम शुरू किए, महीना भी ठीक से नहीं हुआ था कि हर कोई उनके पिज्जा का दीवाना हुआ पड़ा था। पूरे मोहल्ले में और आसपास के मोहल्ले के भी लोग उनके पास पिज्जा लेने आते थे। अब तो इन्हें बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिलने लग गए थे। भाभी सुबह 3 बजे से अपना काम शुरू कर देती थी और हर रोज का प्रॉफिट 10,000 से 12,000 तक बढ़ गया था। हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीजें आने लगी थी जो शायद मैंने कभी नहीं देखी थी। सोफा, फ्रिज, टीवी और तो और एसी भी लग गया था। भाई भाभी बहुत खुश थे। भाई ने भी मजदूरी करना बंद कर दिया था और अब वो भी भाभी के साथ ही हाथ बटाया करते थे। एक दिन भाई मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक महंगा फोन दिया। गुस्सा तो मैं उनसे बहुत था, लेकिन मैं फोन को मना नहीं कर सकता था, तो मैंने उनसे ले लिया। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई भाभी ने मुझ पर किसी तरीके की कोई कमी रखी थी। जैसे जैसे उनके पास पैसा आया था, उन्होंने घर की जरूरतों के साथ साथ मेरी भी जरूरतों का ध्यान रखा था और उन्होंने मेरा एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। मुझे जरूरत की सारी चीजें वो मुझे देते थे। लेकिन आखिर उस पिज्जा में ऐसा क्या था जो वो मैं नहीं खा सकता था। भाभी के काम शुरू करने के इतने महीनों बाद तक भी मैंने एक भी पिज्जा नहीं खाया था, लेकिन हर किसी के मुंह से उसकी तारीफ जरूर सुनी थी। अब तो ये मेरी जिद बन गई थी कि पिज्जा तो मैं खाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे जैसे मर्जी खाना पड़े। क्योंकि मैं जब भी भैया भाभी को बोलता था तो वो मुझे जवाब में यही कहते थे कि तुम कोई और अच्छी चीज खा लो, पर ये मत खाओ। तो क्या उसके अंदर कुछ मिलाकर लोगों को खिला रहे थे। मुझे खाना तो था ही और मैं खाकर ही रहूंगा। अब तो मैं सोच रहा था कि चाहे मुझे चोरी करके खाना पड़े पर मैं खा लूंगा। अगर पकड़ा भी गया तो क्या, मैं उन्हीं के ऊपर बात डाल दूंगा कि अगर आपने मुझे ये आराम से दे दिया होता तो मुझे चोरी नहीं करनी पड़ती, ये चोरी भी मैंने आपकी वजह से की है। एक ऐसी ही रात थी जब मैं पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही किचन में गया तो सामने 2 पिज्जा रखे दिखे, शायद आज वो बच गए थे। मैंने फटाफट से गर्म किया और लेकर अपने कमरे में चला गया। बहुत मजे से खाया मैंने। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंग जीत गया हूँ। मैं जानता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों उस समय मेरे मन ने एक जिद पकड़ ली थी और उस पिज्जा को खाकर मुझे उसी जीत का एहसास हो रहा था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे अपनी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई महसूस होने लगी। मुझे थोड़ी थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद ज्यादा गर्मी होने की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं छत पर चला गया और वहां पर थोड़ा घूमने लगा, लेकिन तब भी मुझे एक अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा भूख और प्यास लग रही है। मैं फिर से किचन में गया और वहां जाकर मैंने फिर से कुछ खाया और एक ग्लास दूध भी पी लिया, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर एक करंट दौड़ रहा हो। कुछ तो हो रहा था मुझे। एक बार को तो लगा कि कहीं ये सब कुछ मुझे पिज्जा की वजह से तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मुझे पिज्जा की वजह से हो रहा है तो क्या जो इतने लोग हर रोज खाने आते हैं उन्हें भी ऐसा होता होगा, और अगर उन्हें भी ऐसा होता है तब भी वो खाने क्यों आते हैं। भगवान जाने ये सब क्या हो रहा था मुझे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है। कभी मन कर रहा था कि जोर जोर से भागूं, कभी मन कर रहा था कि दीवार पर बहुत मारूं। एक अलग ही जोश आ गया था। पहले सोचा कि जाकर एक बार भाई को बता देता हूँ, फिर उसी समय याद आया कि भाई तो आज घर पर है ही नहीं, भाभी कमरे में अकेली होंगी। भाई को फोन किया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। भाभी के कमरे तक भी गया था लेकिन बाहर से ही वापस आ गया। भाई ने मुझे बहुत पहले समझाया था कि अगर भाभी कमरे में हो तो वहां नहीं जाने के लिए,
यही सोचकर वापस अपने कमरे में आ गया। लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, नहीं तो मैं शायद यहीं अपना दम तोड़ दूंगा। बहुत देर इंतजार करने के बाद कि शायद ही अपने आप ठीक हो जाए, मैं भाभी के पास गया। मैंने सोचा कि कम से कम बता तो दूं, नहीं तो बाद में भाई यही कहेंगे कि अगर मैं नहीं था तो भाभी को क्यों नहीं बताया। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा ही था कि वो घबरा कर उठ गई। मेरी हालत देखकर भाभी मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, नहीं, मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है और अंदर से बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। उन्होंने छूटते ही मुझसे पूछा कि क्या तुमने पिज्जा खाया है? मैंने अपना सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। भाभी मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले गई। वहां डॉक्टर ने मुझे देखा और कुछ दवाइयां दी। उन्होंने मुझे रात को वहीं हॉस्पिटल में ही रोक लिया। दवाइयां खाते ही मुझे बहुत नींद आने लगी और मैं पूरी रात सोया रहा। सुबह होते ही भाभी मुझे घर वापस ले आई। तब तक भाई भी आ चुके थे। जब भाई को पता चला कि मैंने पिज्जा खाया है, फिर क्या था, दोनों ही मुझ पर बहुत नाराज हुए। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या था उसमें जो मेरा ये हाल हो गया, तो भाई कहने लगे कि तुमने कभी देखा है, कई बार कुछ चीजें खाने की तुम्हें आदत हो जाती है। क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि बाहर की ज्यादातर चीजों में एक खास तरीके का नशा होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसके अंदर मिलाए जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन वही चीज उस खाने के अंदर स्वाद भी बढ़ा देती है। जैसे इसका एक उदाहरण अजीनोमोटो है। वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, लेकिन अगर वो ना हो तो आपको चाइनीज के अंदर स्वाद ही नहीं आता। और यही पदार्थ आपको वो चीज बार बार खाने के लिए उल्लासित करते हैं। तुम ही बताओ, हम क्या तुम्हारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकते थे? तुमने कभी नहीं सोचा कि अगर हम तुम्हें 25,000 का मोबाइल लाकर दे सकते हैं तो क्या हम तुम्हें एक पिज्जा नहीं खिला सकते? लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हम तुम्हें जानबूझकर कोई भी ऐसी चीज खिलाएं जो तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक हो, और ऊपर से तुम तो 2-3 पिज्जा खा गए, शायद वो तुम्हें सूट नहीं किया। मैंने अपने भाई से कहा कि अगर आप पहले से ही जानते हैं कि ये सब हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप तब भी बेच रहे हैं और लोग खा रहे हैं, तो क्या ये गलत नहीं है? मेरे भाई कहने लगे कि इसमें कुछ गलत नहीं है, पूरी दुनिया ही कर रही है, तो हमने किया तो क्या गलत है? नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि लोग पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी दुकानें छोड़कर हमारे पास क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें इसकी आदत हो रही है, इस तरह से हम भी अच्छे पैसे कमा पा रहे हैं। वो कहते हैं ना, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? भाई कहने लगे कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो, तुम बस अपने काम से काम रखो। ये सब चीजें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें मना करते हैं, और आगे से दोबारा इस तरीके से छुपाकर या बाहर भी कभी ऐसी चीजें मत खाना। ये सब अपने बिजनेस को चलाने के तरीके होते हैं, तो ये सब तुम हम पर ही छोड़ दो कि अपने काम को किस तरीके से चलाना है। अगर यहां पर हम इतना ज्यादा सोचने लगे तो कमाएंगे क्या? मैंने भी फिर उसके बाद उन्हें कभी कुछ नहीं कहा। उनकी मर्जी थी, ये उनका काम था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सब गलत कर रहे थे या सही। आज उनके पास बहुत पैसा है, वो अच्छा कमा रहे हैं, और हमारे घर में हर चीज है। पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा घर हमारा ही है। आज सब अच्छा चल रहा था। आपको क्या लगता है कि बाहर जो भी इस तरीके के काम करते हैं, क्या वो सही करते हैं या गलत? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत बार हम खुद जानते हैं कि इस चीज को खाने से हमारी सेहत को नुकसान होगा, पर हम तभी भी खाते हैं। आपकी क्या राय है? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने प्यार से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।